नमस्कार जीचिल्स प्रदेश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता रेप मर्डर केस, आरोपी संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट जारी। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर में छापा मारा, 15 जगहों पर टीम पहुंची। पाकिस्तान ने पीएम मोदी को एससीओ मीटिंग में बुलाया, 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी बैठक। मोदी आखिरी बार 2015 में पाकिस्तान गए थे। राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला, मोदी जी शहंशाह वाला मॉडल लाना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें संविधान माथे पर लगाने को मजबूर कर दिया। प्रयागराज में बोले, बीजेपी मेरे गुरु हैं जिसने मुझे सिखाया क्या करना है क्या नहीं। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 11 लाख महिलाएं बनी लखपति दीदी, 5,000 करोड़ का लोन जारी। जलगांव में बोले, ये योजना आने वाले पीढ़ियों को ताकतवर बनाएगी, सरकार का अगला लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदियां। मायावती ने राहुल गांधी पर जबरदस्त वार करते हुए पूछा, सालों सत्ता में रहते हुए जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। साथ ही सपा कांग्रेस गठबंधन पर तीखे तंज कसते हुए अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ कान्हा के करेंगे दर्शन, 9 अरब से अधिक योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। पीएम जलगांव में बोले, महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, दोषी बचने नहीं चाहिए, सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व। कोयम्बटूर में 9 बच्चियों का यौन शोषण, एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर 2 महीने से टीचर शोषण कर रहा था, प्रिंसिपल समेत टीचर भी अरेस्ट। शाह बोले, मार्च 2026 तक देश से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद, कहा रूथलेस रणनीति से वामपंथी उग्रवाद पर होगा अंतिम प्रहार, छत्तीसगढ़ में बना एक्शन प्लान। जम्मू कश्मीर में बैन, जमात ए इस्लामी 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेगी, आज एनसी कांग्रेस की लिस्ट संभावित, 27 अगस्त पहले फेज के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। यूपी के सभी पुलिस थानों और जेलों में मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी, सीएम योगी ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में शहजाद अली के महल पर बुलडोजर चला, जिस पर अज़दुद्दीन ओवैसी ने एमपी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, बुलडोजर की राजनीति संविधान का उल्लंघन है, सत्ता जाने पर क्या आपके घरों को भी ऐसे ही तोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों का रक्षा कवच बताते हुए कहा, देश की तरक्की में जी जान लगाने वाले इन कर्मचारियों पर हमें गर्व है, ये स्कीम उनकी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है। हरियाणा में बदल सकती है चुनाव की तारीख, 1 अक्टूबर की जगह 6 दिन बाद वोटिंग संभव, बीजेपी INLD की मांग पर विचार कर रहा आयोग। 5 सितंबर से पुराने अंदाज में दिखेंगे नीतीश कुमार, बिहार की सड़कों का करेंगे निरीक्षण, ऑन द स्पॉट होगा एक्शन। हरियाणा बीजेपी नेता बॉक्सर विजेंद्र ने चौंकाया, कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर विनेश फोगाट का समर्थन, बोले मेरी शुभकामनाएं पूरा साथ देंगे। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, SIT ने 2000 पेजों की चार्जशीट दाखिल की, इसमें प्रज्वल रवेन्ना और HD रवेन्ना के खिलाफ 150 लोगों ने दिए बयान। त्रिपुरा में बाढ़ की भयानक तबाही, 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान, 24 लोगों की मौत और 1.28 लाख लोग राहत शिविरों में पनाह को मजबूर, मुख्यमंत्री माणिक शाह ने सर्वदलीय बैठक में एकजुट होकर इस संकट से निपटने का आह्वान किया। किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर जबरदस्त तंज, मिस इंडिया में SC ST नहीं वाले बयान पर बोले, राहुल गांधी अब हर जगह आरक्षण चाहते हैं, ये बाल बुद्धि नहीं बल्कि एक खतरनाक विभाजनकारी रणनीति है, उन्होंने इसे पिछड़े समुदाय का अपमान करार दिया। हिमंता बोले, 1 महीने में बांग्लादेश से कोई हिंदू नहीं आया, वो वही हैं और लड़ रहे हैं, 35 मुस्लिम घुसपैठी आए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पीएम मोदी ने परिवारवादी राजनीति पर करारा हमला करते हुए कहा, ये नई प्रतिभाओं का दमन करती हैं, बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के युवाओं से लोकतंत्र मजबूत होगा। मन की बात के 113वें एपिसोड में उन्होंने स्पेस सेक्टर, तिरंगा अभियान, अरुणाचल की 3D प्रिंटिंग, रक्षाबंधन, संस्कृत दिवस और बच्चों में न्यूट्रिशन पर भी चर्चा की, जिससे देश भर में जागरूकता फैली। योगी सरकार का बड़ा कदम, सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए यूपी के हर जिले में ARTO रोड सेफ्टी और MVI तैनात होंगे। पहले चरण में 50 ARTO और 351 MVI के पदों को मंजूरी मिली, जिससे परिवहन विभाग में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। उद्धव ठाकरे ने बदलापुर कांड पर शिंदे सरकार पर तीखा हमला किया, आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दोषियों के साथ खड़ी है, न कि उन्हें सजा दिलाने के लिए। संजय राउत ने भी सरकार पर अदालत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ठाकरे ने बहन सुरक्षित तर, घर सुरक्षित के नारे के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया। देश भर में 768 पार्टी कार्यालय बनाएगी भाजपा, JP नड्डा ने किया ऐलान, 96 दफ्तरों पर काम जारी। आज अमृतसर में मनीष सिसोदिया, CM मां ने गले लगाया, गोल्डन टेंपल में माथा टेका, बोले केंद्र की पार्टी तोड़ने की कोशिश नाकामयाब। ओडिशा न्यूज, भगवान जगन्नाथ के रतन भंडार का निरीक्षण और मरम्मत शुरू करने की अपील, मंदिर प्रशासन ने ASI को लिखा पत्र। तमिलनाडु के डिंडीगुल में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 2 लोगों की मौत।
कांग्रेस का केंद्र पर जोरदार हमला। घरेलू आय में गिरावट को लेकर सरकार की तुलना शत्रुमुर्ग से की, जो आंखें मूंद कर बुनियादी समस्याओं को नकार रही है। जयराम रमेश ने ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि धीमी वेतन वृद्धि और महंगाई ने वास्तविक मजदूरी को अभूतपूर्व रूप से गिरा दिया है। केरल चलचित्र अकेडमी के चेयरपर्सन फिल्म मेकर रंजीत ने दिया इस्तीफा। बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा ने लगाए थे ऑडिशन के दौरान गलत तरीके से छूने के आरोप। राजनाथ सिंह ने किया अमेरिकी नौसैनिक वॉरफेयर फैसिलिटी सेंटर का दौरा, बोले हम साथ काम करने के लिए तत्पर। जन्माष्टमी से पहले सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, भगवान कृष्ण पर संवाद के लिए केंद्र खोलेगी सरकार। अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जीचल्स पर। अश्वनी वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल और राजस्थान में OPS लागू करने का दावा किया, लेकिन कदम नहीं उठाया। मोदी सरकार ने पेंशन पर गंभीरता दिखाई, समिति गठित की और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला लिया। अमित शाह ने रायपुर में NCB ऑफिस का उद्घाटन किया और भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ दौरे के तीसरे दिन उन्होंने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुंबई में डेंगू के मामलों में उछाल के बीच आनंद महिंद्रा ने मच्छरों के खात्मे के लिए एक चाइनीज डिवाइस का वीडियो शेयर किया, जिससे उन्होंने मच्छरों का आयरन डोम करार दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं। यूपी में किसान एक्सप्रेस दो हिस्सों में बटी। बिजनौर में इंजन 13 डिब्बे लेकर 4 किलोमीटर आगे निकला, 80 की स्पीड में हादसा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, मोदी सरकार की बदौलत ही राहुल श्रीनगर में रेस्टोरों में रात्रि भोज का आनंद ले सके। उन्होंने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को राजनीतिक हताशा का नतीजा बताया। यूपी के फारुखाबाद में ट्रेन पलटाने की साजिश, ट्रैक पर रखा था 35 किलो का लकड़ी का टुकड़ा, इंजन में फंसा, पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। पुणे में प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट और 3 यात्री घायल, भारी बारिश के बीच तकनीकी खराबी से हादसा होने की आशंका। इस बार पाकिस्तान से नहीं आएगी टिड्डियां, पलक झपकते ही फसलों को करती है नष्ट, बॉर्डर इलाके में सर्वे के बाद आई राहत की खबर। हिजबुल्ला ने इसराइल पर 320 रॉकेट दागे, 11 मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, इसराइल ने इमरजेंसी लगाई, 100 फाइटर जेट से पलटवार किया। चीन की चांद से हीलियम लाने की तैयारी, 1.5 लाख करोड़ में तैयार कर रहा मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर, केवल बिजली पर चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।